नाज़रीन, साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर एटले की हिदायतकारी में बनने वाली शाहरुख खान की नई फिल्म जवान रिलीज के पहले दिन 75 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब हो चुकी है। फिल्म जवान के लिए तवक्कु की जा रही है कि फिल्म रिलीज के पहले 4 दिन 500 करोड़ का बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम कर लेगी। शाहरुख खान ने फिल्म जवान में दोहरा किरदार अदा किया है और वो फिल्म में 7 मुख्तलिफ रूप बदलते नजर आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दोहरे किरदार को निभाने के लिए शाहरुख खान ने कितना मुआवजा वसूल किया है? भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड में इंता ही कम मुआवजे से अपने कैरियर का आगाज करने वाले शाहरुख खान आज सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले बॉलीवुड अदाकारों में शामिल हैं। शाहरुख खान की एक फिल्म का मुआवजा इस वक्त 50 से 60 करोड़ भारतीय रुपये है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म जवान के रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी देखते हुए शाहरुख खान ने दोगुना मुआवजा वसूल किया है, जो 100 करोड़ भारतीय रुपये बनते हैं। दीपिका पादुकोण, जो कि अपने फिल्मों का मुआवजा 15 से 30 करोड़ लेती है, उनकी जानब से फिल्म जवान के लिए कितना मुआवजा वसूल किया गया है ये वाज़ह मालूम नहीं हो सका है। वजह है कि शाहरुख खान ने थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म जवान गुज़श्ता रोज 7 सितंबर को भारत समेत दुनिया भर में रिलीज की गई है और शायकीन की जानब से शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।